ये स्ट्रीट इसके लिए फेमस है, पब्स और समझ लो आप, समझ जाओ आपको समझ जाओ आप। श्रीवास्तव, आशा करता हूँ आप सब एकदम चुस्त हैं, मस्त हैं। अभी बज रहे हैं 9:27, तो आज मैं हूँ कलकत्ता के सबसे फेमस स्ट्रीट पे और उसका नाम है स्ट्रीट पार्क। तो ये स्ट्रीट पार्क कैसा है, क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इस ब्लॉग में। चलो देखते हैं कैसा है। फिलहाल जो आप ये व्यू देख रहे हैं, ये व्यू है पार्क स्ट्रीट का और ये हमारे हॉस्टल से है। हॉस्टल काफ़ी अच्छा है, लोग काफ़ी अच्छे हैं, स्टाफ काफ़ी अच्छा है और हॉस्टल का नाम है बैग पैकर्स पार्क, जो कि पार्क स्ट्रीट में है और बहुत ही अच्छा है, सस्ता है और कंफर्टेबल है। और ये व्यू है रोड से, पार्क स्ट्रीट से बालकनी का। जी हाँ, यहाँ से बालकनी ऐसी दिखती है। जैसे मैंने पहले कहा, पार्क स्ट्रीट कोलकाता का सबसे फेमस स्ट्रीट माना जाता है। इसे ऑफिशियल तौर पे मदर टेरेसा सरानी के नाम से भी जाना जाता है। यह कहा जाता है कि पार्क स्ट्रीट कभी सोता नहीं है, और जी हाँ, ये सही बात है क्योंकि मैंने खुद अपने आँखों से देखा है। और आप जब भी आएंगे तो नाइट में ज़रूर पार्क स्ट्रीट पर घूमिए, देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं और 24 घंटा चालू रहता है। शहर में एक प्रसिद्ध हैंगआउट स्पॉट होने के नाते इसमें कई पब और रेस्टोरेंट हैं। पार्क स्ट्रीट शहर का एक ऐसा क्षेत्र है जहां 5-star होटल्स, नाइट क्लब्स, पब, मॉल इत्यादि बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी अगर आप यहां आते हो, देखते हो तो। यह स्ट्रीट दिवाली, क्रिसमस और नए साल में एकदम सजी धजी रहती है, एकदम कलरफुल दिखती है, एकदम मज़ेदार दिखती है और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। पूरे स्ट्रीट को कलरफुल लाइट से सजाया जाता है और त्योहारों को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो फिलहाल रात काफ़ी हो चुकी है और मुझे भूख भी लगी है, तो पहले कुछ खाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, तो अभी मैं पार्क स्ट्रीट पे ही हूँ और सुबह का समय है। मैं अपने हॉस्टल से चेकआउट कर लिया हूँ और जा रहा हूँ हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज से फिर जाऊँगा हावड़ा स्टेशन, क्योंकि आज 3 बजे का मेरा ट्रेन है
और फिर निकलना है मुंबई के लिए। और यही है दिन में स्ट्रीट, कुछ इस तरह दिखता है। और आज संडे होने के नाते सब बंद है दुकानें, नहीं तो सुबह सुबह यहाँ पे मतलब 24/7 चालू रहता है कुछ दुकानें, होटल्स और पब्स वगैरह। और ये स्ट्रीट इसके लिए फेमस है, पब्स और समझ जाओ आप। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं मेट्रो स्टेशन से फिर मैं निकलूँगा MG रोड। और जाते जाते हमेशा की तरह जो दिल में आए वो करो, बिकॉज शो मस्ट बी गो ऑन। लेकिन जो भी करना अच्छी चीज़ें करना, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है और जर्नी बहुत बड़ी है। इसी लाइफ में हमें सारी चीज़ कंप्लीट करनी है, तो हंसते हंसते रहो, मुस्कराते रहो। फिलहाल मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।